नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो ये देखिए आज कई दिनों के बाद दो दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं तैयार हो गई हूँ तो कैसी लग रही हूँ और कैसी साड़ी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और ये मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन जो है बाजू पर वो कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइए क्योंकि मैंने खुद से बनाया हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी और ये है मेरी ननद तो ये भी तैयार हो गई हैं तो देख सकते हैं आप लोग हम दोनों आज ननद भौजाई कहाँ जा रहे हैं चलिए आज अब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर से दिखा दूँगी वहाँ का वीडियो तो चाहे जहाँ जाती हूँ वैसे मैं हर जगह की वीडियो शेयर करती हूँ तो ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर तो देखिए मैं कहाँ आई हूँ आप लोग देख सकते हैं और देख कर ही समझ जाएंगे मैं कहाँ पर आई हूँ तो ये देखिए मैं आई हूँ इंडिया गेट तो बस ऐसे ही बच्चों को घुमाने के लिए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से बहुत ही ज़्यादा ये मेरी नन देंगे बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी तो वैसे हमारा प्लान था कहीं और जाने का मतलब चिड़ियाघर जाने का प्लान था बच्चों को दिखाने के लिए पर हम लोग वहाँ नहीं जा पाए तो यहाँ चले आए तो कुछ लोगों के साथ गए थे जो हमारे मतलब बगल के थे तो उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर आ गए तो मुझे तो यहाँ पे मतलब शाम के टाइम पे अच्छा लगता है मुझे दिन में दोपहर के टाइम पे नहीं अच्छा लगता है तो यहाँ हम लोग तीन दो दो बजे ही आ गए थे और इतनी कड़ाके की घाम थी कि कुछ पूछिए मत बहुत ही धूप था और ये है मेरी जेठानी की लड़की तो ये जा रही हैं और वैसे भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए और बहुत सारा चेंज हो गया ये सब कुछ अभी नया बना हुआ है और बहुत मतलब वहाँ आने जाने का रास्ता भी नया बना हुआ है ये सारे चीज़ें भी नई नह, नए बने हुए हैं और ये जो पानी का वो सब कुछ है सब कुछ चेंज हो गया पहले ऐसा नहीं था पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब उतना गंदगी रहती थी इतना सफाई नहीं रहती थी और चाहे जहाँ बैठो उठो अब तो बहुत साफ़ सुथरा है बहुत सफाई रहती है यहाँ पर बैठने भी उतना नहीं देते हैं और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ खा नहीं सकते और पानी पीने का पानी तक यहाँ नहीं मिलता अब पहले के टाइम था जब जिस टाइम में फर्स्ट टाइम आई थी 2018 में मैं आई थी तो मेरी बेटी जो है वो बहुत छोटी थी तो उसको मैं लेके आई थी इसी पानी में मैं उसको आ, खड़ा की थी और यहाँ पे गोलगप्पे पानी वानी सब मिलता था खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे आ, मिलते थे आ ये जो सारे पेड़ हैं इन इन पेड़ों के पास में ही रेड़ी लगाया करते थे और अभी इस टाइम पे कुछ नहीं और आप लोगों को शायद आप लोग आएंगे तो देखेंगे गेट के जो इंडिया गेट है उसके नीचे एक जोत जलती थी पहले अब वो जोत हटा दिया गया है अब वहाँ पर कुछ नहीं रह है बिल्कुल खाली है नहीं जलता है तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद घूमने आई हूँ तो लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा नज़ारा था ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना एकदम साफ सुथरा तो थोड़ा सा ये देखिए हमारे घर वाले थे सब लोग बैठे थे मेरी जिठानी उठानी थी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पे मैं रोड के किनारे ये आइसक्रीम खा रहे थे ये देखिए मेरा बाबू खा रहा है ये बुलबुल खा -बु रही थी और मैं भी खा रही थी मतलब सभी लोग खा रहे थे तो ये सारे पकौड़े वकोड़े लगा रखे थे और उसके बाद घर पे आ गई थी तो ये देखिए ये मैंने नया मंगाया है और ऑनलाइन से मंगाए थे तो ये एक सौ तीस का पड़ा था वैसे ये दो दो सौ का था पर हमें थोड़ा सा मिल गया सही दाम पे मिल गया तो हमने ले लिया बहुत ही अच्छा रहता है मतलब तो प्याज व्याज काटने में सब्ज़ियाँ का मेरे पास था नहीं तो इस वजह से मैंने इसको मंगा लिया और बहुत अच्छा लगता है इसमें काटने में तो ये देखिए और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ तो बस यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ कैमरा मतलब पता नहीं कैसे और प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया था और ये देखिए चने का बेसन है तो चने का बेसन मतलब चना चने जो है उसको भूज के मतलब तो उसका बेसन बना लिए बेसन बना लिए जैसे कि आप सत्तू भी बोल सकते हैं और यहाँ पर ये यह प्याज है तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और उसके बाद मैं तेल डाली हूँ थोड़ा सा सरसों का और अभी गर्म होने देती हूँ उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को तो प्याज को डाल देती हूँ प्याज को अच्छे से हमें खूब अच्छे से वो करना है लाल करना है खूब अच्छे से जितना कि होना हो जाना चाहिए सब्ज़ी में तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ स्पेशल चीज़ एकदम जो आप लोगों ने ना कहीं देखा होगा ना खाया होगा खाया भी होगा तो गांव में खाया होगा यहाँ शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ हाँ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और कोई भी खा सकता इसको। है इसको चाहे दांत वाले हो चाहे बिना दांत वाले जैसे हम हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं वैसी चीज़ तो नहीं खा पाते हैं पर ये ऐसी चीज़ है कि सब खा लेंगे किसी को कोई वो दिक्कत नहीं होगी खाने में एकदम सॉफ्टी जैसे कि एकदम सॉफ्ट रहेगा खाने में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप भी अपने दादी और अपने दादा और अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर से बनाइए और खाइए बहुत ही अच्छा लगेगा एक बार से ट्राई ज़रूर से कीजिएगा तो इसका नाम है घाटी वैसे इसको घाटी बोलते हैं गांव में बोलते हैं मार्केट में भी मिलता है तो किसी का मन जैसे जिसको बनाना रहता है वो घर पे भी बना लेते हैं तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पे हल्दी डाल देना है और थोड़ा सा मसाला डाल देना है और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है तो ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं डालते हैं बस इतना डाल लेते हैं और अच्छे से वो देखिए प्याज हो गया था अभी मैं इसको इसमें ये जो सत्तू है ये डाल देती हूँ और अच्छे से हम इसको फ़्राई करेंगे खूब अच्छे से जब तक तो खुशबू ना आने लगे खूब अच्छे से हम इसको धीमी आँच पर पकाएँगे तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है इसको एक मतलब समझिए ये सत्तू है सूखा है एकदम पाउडर जैसा है तो इसको हमें अच्छे से खूब खूब चला लेना है बढ़िया से मिला लेना है थोड़ा सा प्याज और डाल लेना है मतलब प्याज आपकी मर्ज़ी से प्याज इसमें जितना रहे उतना सही है मेरे पास प्या प्या प्याज थोड़ा सा ख़त्म हो गया था तो जितना था मैंने उतने में एडजस्ट किया है और थोड़ा इसमें प्याज ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में और भी तो तो प्याज मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ एक थाली में फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाते हैं तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया था ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले आटे का लोई लिया है और हमें आटे को लगा सानना है आटा मतलब कि अच्छे से खूब बढ़िया से तेल डाल के चाहे घी डाल के आप आटे को बढ़िया से सान लीजिए खूब अच्छे से मुलायम आटा उसके बाद इस तरीके से चकली कर लीजिए जैसे कि मैं गोल गोल कर रही हूँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा हम हल्का सा इसमें बीच में वो कर लेते हैं तो बस इतना हमें कर लेना उसके बाद अभी हमें इसमें ऐसे करके बीच में गड्ढा करके फिर हमें इस तरीके से भर लेना है चम्मच से आप चाहे तो जैसे ही आपको भरना आसान लगे वैसे आप इसमें भर सकते हो देखिए जितना आपको अच्छा लगे उतना आप भर सकते हो जितना आपको चाहिए जिस हिसाब से आप लोई ले रहे हो उसी हिसाब से आपको बेसन भी भरना है तो इस तरीके से हमें भर के इस तरीके से बंद कर लेना है इसको अच्छे से इस तरीके से बंद करना है फूटे ना कहीं पर नहीं तो फिर बेसन जो है वो भर भरा रहता है बाहर निकल के आने लगेगा तो इस तरीके से हमें हाथों से दबाते हुए अच्छे से हमें ये देखिए ज़्यादा हमें वो नहीं करना है ना ही बेलन के सहारे से बेलना है बस ऐसे जैसे हमारी चकली होती है छोटी छोटी सी उस तरीके से हमें इसको बना लेना है और उसके बाद इसी शेप में हम सारे बना लेंगे तो जितना आपको बनाना है आप इसी शेप में बनाइएगा और ऐसे ही बनाने बनाना पड़ता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो बस चलिए अभी मैं इस तरीके से सारे को बना लेती हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही बना के आप लोगों को दिखा दूँगी कैसे बनाना है तो इस तरीके से मैंने जैसे एक भरा है वैसे ही सारे भर लेना है हमें तो ये देखिए फिर से मैं दोबारा भर लेती हूँ ऐसे भर लेना है तो ये देखिए इस तरीके से भर लेना है और अभी मैंने यहाँ पे बना लिया है तो ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो अभी मैं तेल में डाल देती हूँ और बहुत ही जैसे कम करके आ, कम फ्लेम पे हमें पकाना है तो हमारा जो आँच है वो बहुत कम रहना चाहिए तब थोड़ा थोड़ा कम रहेगा तो अच्छे से पकेगा और अगर ज़्यादा रहेगी तो ऊपर से पक जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इस वजह से हल्के आँच पर हम पकाएँगे तो धीरे धीरे पकेगा क्योंकि ये बहुत मोटा होता है तो इसी वजह से तो ये देखिए अभी मैं बढ़िया से इसको पका लूँगी थोड़े आ कम आज पे तो ये देखिए इस तरीके से हमें पका लेना है और वो इतना सॉफ्ट रहता है खाने में कि पूछिए ही मत बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और खाइएगा फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक करके जाइएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो ये देखिए फट के यहाँ पर देखिए फूल के कैसे फट गया आप देख सकते होंगे तो बस यहाँ पर देखिए बन तैयार हो गया है तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए तो चलिए मैं अभी सारे को इस तरीके से बना लेती हूँ ये देखिए ऐसे हमें सबको बना लेना है तो बस आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा तो चलिए